वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। आज हम जाएंगे पार्वती वैली में। अभी हमें मनाली में, ये देखो ये वाले गेस्ट हाउस में रुके थे, ये देखो सुंदर पहाड़ियाँ, और यहाँ पे आप रह के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, वाईफाई वगैरह यहाँ पे सब है। 500 रुपये में आप यहाँ पे रह सकते हो और खाना वाना सब इंक्लूड है उसी के अंदर। ये देखो इस तरह का पूरा लकड़ी से बना हुआ है, ये देखो उसकी छत, फ्लोर, दरवाजे, और ये रूम है। देखो इस तरह का आपको रूम मिलेगा यहाँ पे। अभी लाइट वाइट जलाई नहीं है मैंने। ओके, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको। ये वाला पूरा फ्लोरिंग और एक ये कॉमन रूम है। यहाँ पे आग वाग जलती है शाम को और ठंडा होता है, तो ये देखो ऊपर चिमनी वाला वो लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर होम स्टे पहाड़ियों के बीच में, खाने वाना सब मिलेगा 500 रुपये में। आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, और ये देखो क्या सुंदर नज़ारों के साथ। एक महीना काम करो, रहो आराम से यहाँ पे, मज़ा आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट दे दिया भाई का, आ जाओ मनाली में। नेक्स्ट टाइम आओ तो यहीं पर आना, बहुत सस्ता है, 500 रुपये में खाना पीना रहना, चाय वाय सब। चलो शुरू करते हैं। ये देखो भाई यहाँ से ये वाला होम स्टे में रुके थे, और ये देखो पतली सी गली है एकदम शांत, इसी गली में होते हुए अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सड़क पे जाएंगे, सड़क से हिचाइकिंग शुरू करेंगे। तोप गए भाई, गाड़ी लेकर आए हो, होस्ट से तो मिला नहीं पाए हम यार। हाँ। होस्ट कहाँ गए हमारे, यार वो चले गए। ओके चलो कोई बात नहीं। ये भाई भी यहाँ पे चंबा से हो ना आप? चंबा से। ये भाई भी चंबा से है, यहाँ पे स्टाफ है यहाँ पे, और ये हमें ऊपर तक सड़क तक छोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम हिचाइकिंग शुरू करेंगे, पार्वती वैली जाएंगे। वो भाई होते यहाँ पे तो हमें 17 मील तक छोड़ देते रोड तक, पर कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे जाएंगे हम। ओके, एप्पल के बागान है ये देखो चारों तरफ, और ये देखो सुंदर सुंदर पहाड़, और ये गलियाँ बड़ी शांत सी ना, पतली पतली, बड़ी सुंदर लगती हैं। ये देखो क्या मस्त गलियाँ, हिमालय की छोटी छोटी गलियाँ, इन्हीं के अंदर से जा रहे हैं हम। और ये पूरे एप्पल के पेड़ हैं, ये देखो ये एप्पल का पेड़ है पूरा, मजा आ रहा है। चलो भाई तो गए भाई, हमको रोड पे ही मिल गए थे, अब ये मेन रोड पे हमें छोड़ने जा रहे हैं मॉल रोड पे। मॉल रोड से हम हिचाइकिंग करके कसौल वैली तक जाएंगे। चलो 2 दिन रुके यहाँ पे, अच्छा लगा यार मनाली में। वैसे काफी टाइम हो गया हमको, बहुत टाइम हो गया यार, बहुत बढ़िया लगा इनका तो मुझे। स्पेशली ये जो वुड का हाउस था पूरा लकड़ी से बना हुआ था, मेरी मम्मी को इतना अच्छा लगा, मैंने मम्मी को हर एक घंटे में वीडियो कॉल करके मम्मी ये देख लकड़े का है, मम्मी ये देख ऐसा ऐसे बता रही थी। तो मैं मम्मी को भेजूंगी, कोशिश करूंगी एप्पल के सीजन में भेजूंगी। और मनाली में वाईफाई वगैरह सब है ही है, तो आप जब खाना है, खाना बढ़िया है, 500 रुपये में 500 रुपये पर डे पर व्यक्ति, और पूरा दिन खाना पीना और चाय वगैरह सब है। ये भाई मिलेंगे आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट दे दिया। बाकी अभी हमें मॉल रोड पे छोड़ रहे हैं, रोड पे छोड़ रहे हैं, मेन रोड पे, वहाँ से जाएंगे हम कसौल वैली। ये देख रहा था सुंदर नजारे, और ये देखो एकदम घने जंगल के अंदर से जा रहे हैं। ये रास्ता ऐसे ही होगा लगता है ना, रोड तो आज का है। पहले बुंतर आएगा, बुंतर से बुंतर जाना है ना हमें, पहले बुंतर जाना, बुंतर से बुंतर से मणिकरण, मणिकरण, हाँ मणिकरण के आगे ही जाना है। अर्जुन भाई हमें होस्ट करने वाले हैं वहाँ पे। चलो बाय बाय। ये देखो यार क्या सुंदर नजारे, आपका वाला दिखाओ, आपका क्या ये डिफरेंस है इनमें? नहीं नहीं सेम है। ये देखो भाई चीज मोमोज। ओके ये देखो भाई मोमोज की प्लेट हमारे लिए आई है, यहाँ से चाय वाय पी के मोमोज वोमोज खा के आगे बढ़ेंगे। भाई ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे रोकी है। क्या सुंदर नज़ारे हैं। ये कैफ़े का नाम है कैफ़े द हंगरी हब। मोमोज, थुकपा, फ्राइड राइस, चिली चिकन, चिली पनीर, टी कॉफ़ी, द मीट चावल, चिकन चावल। ओके ये सुंदर सी जगह है और ये सुंदर सा कैफ़े, यहाँ पे मेरा फेवरेट है मोमोज, ये खा के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हाँ रूम भी है, अच्छा तो भाई का कॉन्टैक्ट मैंने दे दिया, ये सब मनाली में आओ तो कॉन्टैक्ट कर लेना। जल्दी से खा लेता हूँ मैं तो। ये देखो मजा आ रहा है। एग्जिट हो गए। ये 15 मील का पुल है ना? हाँ 15 मील का पुल है। ओल्ड मनाली आज डे
कितना डेट भी भूल गए, डेट कितना है, डेट कितना है आज? आज 12 दिसंबर चल रहा है। ये देखो टी कॉफी ब्रेड पकोड़ा सैंडविच पराठा मैगी मोमोज थुकपा बाय बाय जी। मैं नोट क्या करने मैं बुमतर तक छोड़ना है कि नहीं नहीं ये मेन रोड से ही चले जाएंगे हम। हाँ सच में? हाँ हाँ यहाँ से हम अब लिफ्ट लेना शुरू करेंगे। मेन रोड पे भाई ने हमें छोड़ दिया है, अब यहाँ से लिफ्ट लेना शुरू करेंगे और भुंतर फिर उसके बाद कसौल के लिए डाइवर्ट होगा, वहाँ से रोड अलग होगा। ओके ऑनलाइन बता रहा है 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, देखते कितने। हाँ पहाड़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन एंजॉय करते हुए जाएंगे। अभी टाइम अपने पास बहुत है, 12 बजे लगभग बैग निकाल लेते हैं चलते आगे। चलो भाई हमारे होस्ट ने यहाँ पे छोड़ दिया। अरे दिल्ली की गाड़ी है इनकी भी यार, ये हमारे होस्ट ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया। मैंने अभी नोटिस किया दिल्ली की गाड़ी है इनकी। ओके दिल्ली आते रहते हैं वैसे ही, मेरे को एक बार दिल्ली जाते वक्त इन्होंने हाँ दिल्ली का लिफ्ट दिया था इन्होंने मुझे। अब हमने यहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी है और यहाँ से देखते हैं लिफ्ट लेते हैं। ये ऊपर जो हम जंगल से उतरे, जंगल में पैदल चलने का मन कर रहा था यार। ये ट्रक ने पूरा सामान खराब कर दिया। ओके लिफ्ट लेना शुरू करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सुनो हेलमेट भी लगा लो, हेलमेट लगता है यहाँ पे, हेलमेट लगाना पड़ेगा। हाँ हेलमेट लगा लेते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं और आगे चलते हैं भाई, हेलमेट जरूरत पड़ती है यहाँ पे, कोई रोकेगा नहीं। थैंक यू। आप जाना? मैं जा रहा हूँ कसौल। आप कहाँ जा रहे हो? नहीं मैं तो वहाँ जा रहा हूँ मंडी। मंडी? ओके भुंतर से जाओगे ना? भुंतर से, भुंतर तक छोड़ देना मुझे। नहीं तो रास्ता में माल होता। अच्छा ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। क्या तो माल होता है, ये सवारी बिठाएंगे मेरे को लग रहा है, मैंने पैसे के लिए रोकी थी। ओके सरस्वती को तो अभी अभी लिफ्ट मिल गई है। ओके मैं भी ले लेता हूँ यहाँ से और जल्दी से निकलते हैं। दो साथ रहते हैं ना तो कभी कभी कम मिलती है और बाइक पे मिल ही नहीं सकती, दो लोग रहेंगे तो, इसीलिए मैंने उनको बोला कि तुम जाओ बाइक पे, वो चली गई आगे, हम भी इन्जॉय कर करके आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं। ब्रेकफास्ट वगैरह सब अच्छा हो गया है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंच तक पहुंच जाएंगे। सब लोग पूछते हो ना कैसे हो जाता है ये सब, यार हम एक दिन में ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, 4-5 घंटे की हिचाइकिंग बहुत होती है तो इसीलिए रोज़ 4-5 घंटे 4-5 घंटे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा बड़ा टारगेट रखोगे तो हाफ डे के बाद डल हो जाओगे और मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ छोटी हिचाइकिंग करो, 200 किलोमीटर पर डे या 100 किलोमीटर छोटी छोटी करो, मज़ा आएगा। ओके okay, भाई काफ़ी देर बाद एक गाड़ी आके रुकी है, थैंक यू। आपका आगे तक जाना है हमने पतली कुल, वहाँ से कुछ भी मिल जाएगा। ओके okay, कितना किलोमीटर पतली कुल यहाँ से? यही होना 2-5। ओके नहीं मैं डायरेक्ट लेता हूँ। ओके हाँ मैं भुंतर तक मिल जाएगी मुझे शायद। थैंक यू थैंक यू। ये पतली कुल 2-4 किलोमीटर ही है, वहाँ पे जा रहे थे तो दोबारा प्रॉब्लम होता बैग डालना बैग निकालना, यहाँ से मुझे डायरेक्ट मिल जाएगी मुझे ऐसे लग रहा है, इसीलिए मैं नहीं चढ़ा उसमें। ये एक और आके रुकी है पर ये येलो नंबर प्लेट है, येलो नंबर प्लेट है भाई आपकी। आप तो टैक्सी चला रहे हो शायद? जी नहीं मैं तो लिफ्ट ले रहा हूँ, भारत यात्रा कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा भुंतर जाना है मुझे। हाँ फिर लिफ्ट? ओके थैंक यू। ओके येलो नंबर प्लेट में गाली येलो नंबर प्लेट में लिफ्ट मिली है आज, ये भाई भुंतर की तरफ ही जा रहे हैं। ओके थैंक यू। येलो नंबर प्लेट में मैं ना लेता नहीं हूँ लिफ्ट, ये वो काम वाम कर रहे हैं। अब जैसे अभी सवारी क्यों नहीं लेके जा रहे हो आप? अभी मेरे को तो काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं तो तब बिठा लेते हैं कोई कोई ऐसे ही, अब येलो नंबर प्लेट में हेल्प करना हमारा काम है। थैंक यू थैंक यू। आप मनाली से ही हो? जी जी मनाली से। ओके मनाली के लोकल भाई ने हमको लिफ्ट दिए। ओके आप भुंतर ही जा रही हो उससे आगे जा रहे हो? मैं पार्वती वैली जा रहा हूँ। कसौल जा रहे हो? मैं भुंतर तक जा रहा हूँ, नीचे मेरे को कुल्लू में थोड़ा सा काम। ओके ओके ये कुल्लू की तरफ जा रहे हैं, ठीक है बाय बाय। चलो भाई ये गाड़ी में हमें काफ़ी लंबी लिफ्ट मिल गई, मनाली से लेके कुल्लू तक ये आए थे, यहाँ से 8-9 किलोमीटर भुंतर बचाए और कुल्लू में गुरुद्वारा भी है वो दिखाई दे रहा है मुझे, गुरुद्वारा भी अगर आपको विदाउट मनी कुल्लू में स्टे करना, और मनाली में भी है, मनाली में भी है, मंडी में भी मिले, हाँ मंडी में भी है पूरे रास्ते में है, आप आराम से दिल्ली से यहाँ पे यहाँ पर आ सकते हो, चंडीगढ़ में भी है मंडी में भी है, सब जगह आपको गुरुद्वारे मिल जाएंगे। मंडी वाले में पर रूम के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, हॉल में आप बिना पैसों के रुक सकते हो आसानी से, गद्दे वद्दे मिल जाएंगे
रहने के लिए बढ़िया जुगाड़ हो जाएगा आपका गुरुद्वारों में कहीं पे भी। मैंने बहुत सारी यात्राएं करी हैं, उसमें मैंने गुरुद्वारे में रुका हूँ मैं बहुत। मेरा यहाँ से 8-9 किलोमीटर भुंतर, उसके बाद कसौल के लिए डाइवर्ट करूँगा, वहाँ से रोड डाइवर्ट होता है। ओके, ये है देखो कुल्लू शहर पूरा, ये पूरा कुल्लू शहर है। अब मैं लिफ्ट ले लेता हूँ दोबारा से। ये देखो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की यहाँ पे चेकिंग है, पुलिस चेकिंग पोस्ट। भाई ने हमको लगभग 9-10 किलोमीटर की लिफ्ट दी है। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये भाई ने हमको काफ़ी बड़ी लिफ्ट दी। अब यहाँ से रास्ता कट जाता है कसौल के लिए, ये भुंतर वाला चौक है, कसौल वाला रास्ता यही है ना। ओके, मैं कंफर्म कर लिया ऐसे मैं आया हुआ हूँ कई बार, पर कंफर्म कर लिया मैंने ऐसे ही। वो ऊपर बिजली महादेव वाला पहाड़ है ये। ओके, देखते हैं यहाँ से लिफ्ट मिलती है कि नहीं। यहाँ से कितना बचता है कसौल, एक बार भुंतर से कसौल कितना बचता है कमेंट करके बताना ज़रा। मैं तो चालू कर रहा हूँ बस। हेलो भाई। हेलो, मैं जा रहा हूँ कसौल। आप कहाँ जा रहे हो? कसौल जा रहे हो? ओके, मेरे को लिफ्ट दे सकते हो आप? भाई हेलमेट है ना? हाँ हेलमेट है। श्योर भाई जी। ओके, ये देखो भाई एक्सपल्स में लिफ्ट मिली है हमें, हेलमेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से कसौल? यहाँ से कसौल भाई जी आपका होगा कम से कम 20-25 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई है कसौल डायरेक्ट। आप कहाँ जा रहे हो? मैंने भी ट्रैवल किया है। अच्छा, मैंने ट्रैवल किया है हिमाचल टू कन्याकुमारी बिना पैसे के। बिना पैसे के मतलब बिना पैसे के ट्रैवल में, जैसे लिफ्ट लेके खाना भी मतलब बिना पैसे के, रहना भी बिना पैसे के। कैंपिंग टेंट? कैंपिंग टेंट थोड़ा संभल के ना। कैंपिंग टेंट नहीं, मतलब मैं गुरुद्वारों में रहता था। ओके, किसी ढाबे में रुक गया वहाँ। हाँ। पे कई बार बाहर भी ट्रक पार्किंग में पूरी रात जागे भी हैं। लद्दाख वाला? हाँ लद्दाख वाला। तो ये भाई पैदल चलते हुए दो भाई लोग मिल गए, इन्होंने पहचान लिया और इन्होंने भी काफ़ी यात्रा वगैरह कर रखी, तो वही बात हो रही थी। यहाँ से 9 किलोमीटर बचा है कसौल, जरी में है हम अभी। तो ओके, ये दो, ये तो दो लोग हैं तो हमको वैसे ही जाना पड़ेगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, वैसे बात करने के लिए रुक। ओके ओके, हाँ ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सरस्वती दोबारा आ गई यहाँ पे हमको बचा ले। सरस्वती हमको हर बार पिक करती है। मुझे पता था तुम पीछे ही होगे, जैसे वो ट्रक पर छूटे ना तो मैं इसीलिए पैदल चल रहा था। और कुछ लोग मिल गए थे अभी वहाँ पे, वो लोग बात वो ब्लॉग कर रहे थे ना। उससे पहले भी मिले थे। अच्छा, उससे पहले और मिले थे। इन्होंने भी हमारी यात्रा देखी है। ओके, ये यहाँ से भुंतर से ऊपर को आ रहे थे। अच्छा। हाँ, और मैं एक्चुअली भुंतर से मुझे टू व्हीलर मिल गई थी, और टू व्हीलर में जो हवा लग रही थी जोर जोर से, बाप रे मेरे को सुसु आ गया। मैंने बोला भाई साहब इधर ही छोड़ दो, आप आगे जाओ। वो आगे कसौल मणिकरण ही जा रहे थे। आप कहाँ से हो भैया? मैं पंजाब से। पंजाब से हो? ये पंजाब से। ओके, ये यहीं से। ये यहीं के हैं। ये पंजाब से हैं। जहाँ हमारी वीडियो किसने देखी थी? वीडियो किसने? इन्होंने। और शायद इन्होंने भी देखी है। ओके ओके, चलो भाई पहुंच गए कसौल, और यहाँ से देखा मणिकरण उतरना है। हाँ मणिकरण। ओके ठीक है, उनको बोल दो। हाँ हाँ, अभी मैं फोन करती हूँ। चलो भाई बाय बाय, पहुंच गए बस लास्ट लिफ्ट। ये देखो भाई पहुंच गए मणिकरण में, वो देख नहा रहे हैं ठंडे पानी में। स्प्रिंग वाटर है वो। अरे बाप रे, एक वो है स्प्रिंग वाटर और भी है यहाँ पे। होटल में भी स्प्रिंग वाटर ले रखा है कनेक्शन लोगों ने। अच्छा, यहाँ का कनेक्शन? हाँ, पूरा स्प्रिंग वाटर का, गर्म पानी का कनेक्शन। ये पार्वती रिवर है और इसी के ऊपर गुरुद्वारा बना हुआ है। लंगर खा लेते हैं, चलते हैं जल्दी। बैग में रख लो अभी से। ये देखो पूरा क्या सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है मणिकरण का। वहाँ से देखो स्प्रिंग वाटर निकल रहा है। ओहो हो हो, तो काला चश्मा भी बदल लेते हैं।
भाई आज फिर से रात हो गई, तो ये बस में जा रहे हैं हम, ये भाई लेके जा रहे हैं, बस एक किलोमीटर और बचा है हमारा। मणिकरण से लेके हम यहाँ तक आए, बस कर लिया हमने और बस आने वाला है हमारा स्टॉप। रात में कभी भी भाई हिचहाइकिंग मत करना, खासतौर से जंगल और पहाड़ों में बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी कहीं पर भी मत करो, बस सुबह निकलो और शाम को पहुँच जाओ। और ये हम नहीं कह रहे, ये वहाँ के लोकल कह रहे हैं, लोकल ही हमें। मैं भी कह रहा हूँ, ये तो हमें ट्रैवलर मतलब ये तो अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ बन गया। मैं तो न्यू हूँ ना ट्रैवलिंग में, मैं तो इन लोगों की राय लेती हूँ, तो मुझे इन्होंने भी कहा और ये भी कह रहे हैं। मैं खुद जब लेट हो जाता तो मैं तो बस ले लेता हूँ। अच्छा, मैंने भी जम्मू में बस लिया था जब लेट हो गया था। पहुँच के बताते हैं बाकी चीज़ों को, अभी आवाज़ बाय बाय। चलो भाई, शाम के 7 बज गए हैं और यहाँ पे एक हिमाचली शादी में आए हैं। ये देखो, अब तो हिमाचली टोपी भी नहीं दिखाई दे रही है। हिमाचली टोपी लगाते थे यहाँ पे सब लोग ना, पहाड़ों पे ऊपर शादी अटेंड करने आए हैं। अभी दिखाता हूँ खाने वाने पे जाएंगे, जब पहुँच गए बस बोलिंग। हाँ, चलो भाई, ये हो रहा है खाना तैयार, यहाँ पे लगाया जाएगा। नमस्ते जी। हाँ, ओके। यहाँ पे बुजुर्गों वाला फार्मूला अभी भी चलता है, बुजुर्ग मुखिया लीडर वो सब होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज उन्हीं के पास होती है और वही लीड करते हैं। यहाँ पे वो जो बुजुर्ग होते हैं ना गांव के मुखिया, हाँ, वो लीड करते हैं यहाँ पे सबको। अच्छा। सबको ही बात मानते हैं यहाँ पे। हाँ, ज्यादातर तो सबके घर पे मानते हैं ना, हमारे घर में नहीं, शहरों में अब ऐसा नहीं, शहरों में बदल गया है मामला। अच्छा। यहाँ पे गांव में अभी भी ऐसी चलता है। अच्छा। जो बुजुर्ग वगैरह रहते हैं ना उनको वो माना जाता है। अच्छा। और उनकी लीडरशिप में सारे डिसीजन में सब होता है। हाँ, डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं। तो मेरी यात्रा भी मेरे घर के पूर्वज ने डिसाइड किया था। अच्छा, मैंने तो अपनी यात्रा अपने आप डिसाइड करी है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे खाना कोई नहीं डिसाइड तो हुआ है ना, देखते हैं हिमाचल की शादी में क्या क्या खाना होता है। ये देखो भैया, आ गई हमारी कुर्सी, यहाँ पे सब नीचे बैठ के ही खाते हैं, चाय। हाँ, चाय कितना भी बड़ा छोटा कुछ भी हो, सब लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे नीचे बैठ के खाते हैं। ओके, हम भी बैठ गए नीचे। ये आ गई हमारी प्लेट, हिमाचली शादी ले रहे हैं भाई हम। मैंने बस सोचा था यार कि पक्का हिमाचल की शादी अटेंड करूंगी, जैसे जो हम सोचते हैं ना वही अट्रैक्ट करते हैं। आते वक्त कितनी सारी शादियां मैंने देखी थी 2 दिसंबर को, और बहुत दिन मैंने बहुत शादियां देखी। ये देखो पानी हो गया, पहले सबसे पहले पानी सर्व किया जाता है। और वेज खाना ही होता है ना यहाँ पे सब ज्यादातर, वेज खाना, कभी कभी नॉन वेज भी होता है, खुद का है। अच्छा अच्छा, मर्जी है। ये देखो, ओ, ये देखो खाना आ गया हमारे लिए, आया है चावल। ओ, पनीर वाला लाना, और कोई नहीं मीठा। हाँ, सब लाओ, मैं तो वेज सब खाऊंगी। ओके, ये आ गया मटर पनीर और चावल, और कुछ एक मीठा भी डालते हैं हिमाचल। कुछ बोल रहे थे, मुझे पता नहीं, मैंने अटेंड किया। अच्छा। अटेंड किया कुछ एक मीठा, मीठा से लेकर आ रहे हैं, मीठा सिरप जैसा। ये देखो, ये क्या है, थोड़ा थोड़ा इसको बोलते क्या है, पुलाव। ओके, किस चीज का बनता है ये, चीनी। हाँ, इसमें बूंदी है, बूंदी। इसको चावल में डाल के खाते हैं ना, मिला। मोतीचूर का लड्डू लग रहा है, मोतीचूर का लड्डू। मैं सुबह ही कह रही थी मोतीचूर का लड्डू खाने, देखो मिल गया। नारियल भी है, डालो इसके अंदर, डालो थोड़ी सी, मिलाओ। ये मैंने खाया हुआ है, थोड़ा ज्यादा डालो। ओके, मीठा वाला, ये तो बूंदी लग रही है, मोतीचूर का लड्डू लग रहा है। यहाँ पे ना चावल के साथ मिला के ऐसे खाते हैं। आप भी आराम से बैठ जाओ ना। हाँ, ओके, मैं भी खा लेता हूँ, मैं डाल लेता हूँ, मेरे को भी अच्छी लग रहा है। ये देखो भाई, ये गांव में रुके थे हम, ये अभी हम जा रहे हैं। ये कल की शूटिंग हमने दिखाई थी कि गांव वाँव में शादी वादी अटेंड करी थी, और ये देखो यहाँ का नज़ारा देखो। अगली वीडियो में दिखाऊंगा बाकी मैं, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये बस एंडिंग शूट नहीं करी थी मैंने कल, देखो क्या सुंदर पहाड़ है, अगली वीडियो में देखना। फिलहाल पता नहीं चलता है भाई, कच्ची भी रहती है यहाँ पे। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। ये देखो सुंदर सा गांव, अगली वीडियो में देखना। बाय बाय।
ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਲੱਗ ਰਗੋ ਦਿਲਾ ਯਾ।